Foreign trade and integration of markets. You know, all the markets become mingled, integrate to each other and connect to each other. So what is, benefit is that means any product, for example, it is very means having valuable in any country. But if all the product will go there in, international market, there that same product may be come from another country and then that price may be loose, means price may be low. So it is the much more beneficial for the common people. If means only one country will sell their product, then can also means give their retail price anything else. But in international marketing, interlinking of foreign trades and integration of marketing, these not be happen. Means all the product will come in market in their actual prices. Okay? And people's having also much more, options for selection of things. Means they can select any product from place to place, country to country product. Okay? मीन्स अगर बाजार में बहुत सारी चीजें आती हैं तो उसमें लोग चुनाव भी करते हैं उसमें, नहीं तो अगर केवल सीमित मात्रा में प्रोडक्ट है तो चुनाव नहीं हो पाता है, ठीक है। और सीमित मात्रा में प्रोडक्ट होने पे दाम भी बढ़ जाता है। और इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग वेरी बेनिफिशियल फॉर द कॉमन पीपल्स एंड इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल, इट गॉट द ब्रॉड मार्केटिंग सेक्टर ऑल्सो। ओके, एंड इन दिस वे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, आई हैव एक्सप्लेन्ड। ग्लोबलाइजेशन इज द कनेक्शन ऑफ द ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ऑफ द वन कंट्री, मीन्स कंट्री टू कंट्री। 164 कंट्रीज बीकम द मेंबर ऑफ एमएनसी एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम देयर। मीन्स वॉट एवर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैव इन्वेस्टेड इन अनदर प्लेस, दैट्स कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड दे आर ऑल्सो डेवलपिंग, मीन्स डेवलपिंग दैट एरिया वेयर दे हैव सेटल्ड दियर इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, मीन्स टाटा मोटर कंपनी एंड फोर्ड मोटर, इफ हियर इन इंडिया हैविंग इन्वेस्टेड हिज मनी, देन दैट कंपनी मीन्स ओनर हैव गिवेन मच मोर मीन्स जॉब्स अपॉर्चुनिटी एंड दे हैव यूज्ड हियर्स रॉ मटेरियल, बट दे आर मीन्स गेटिंग एंड गिविंग मोर बेनिफिट टू द कॉमन पीपल्स। ओके, एंड फैक्टर्स दैट हैव इलेक्टेड कल्मिनेशन ऑफ मीन्स द ओवरऑल ट्रेडिंग, टेक्नोलॉजी, द फास्ट टेक्नोलॉजी ऑफ इन दिस वर्ल्ड, मीन्स इट ऑल्सो इंक्रीजेस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट एंड इन दिस वे मार्केटिंग बिकम वेरी इजी नाउ इट इज एंड पीपल्स गॉट दियर बेनिफिट एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ए लॉट ऑफ पीपल्स आर गेटिंग दियर जॉब एंड ड्यू टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आईटी, मीन्स वी कैन गेट इंफॉर्मेशन, क्विक इंफॉर्मेशन मीन्स ऑन वन प्लेस। ओके, एंड रेट वैल्यू ऑफ द थिंग्स एवरीथिंग वी कैन मेजर फ्रॉम देयर। ओके, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन, फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दोज ट्रेड बैरियर्स इंस्ट्रिक्टेड हैविंग इफेक्टेड द ट्रेडिंग इन ग्लोबल वर्ल्ड, इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, बिकॉज दोज बैरियर्स शुड बी फ्री बिकॉज ईच एंड एवरी कंट्री वॉन्ट टू वर्क टूगेदर, सो बैरियर्स ऑल्सो शुड बी फ्री एंड गवर्नमेंट शुड मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑल्सो अबाउट द ट्रेड एंड अबाउट द ग्लोबलाइजेशन मार्केटिंग दीज थिंग्स। ओके, नेक्स्ट वन इज टॉपिक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट्स सेटल्ड मीन्स बाय सीइंग दैट नीड रिक्वायरमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट हैविंग रूल्स एंड रेगुलेशंस वॉट एवर मीन्स अडॉप्टिंग बाई द ईच एंड एवरी ट्रेडर एंड हैविंग मच मोर बेनिफिशियल फॉर द इंटरनेशनल मार्केटिंग। ओके, नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया ऑल्सो गॉट मच मोर बेनिफिट बिकॉज
that globalization impact be come on India also. Means I will discuss into point. First one, you know, people's got much more choices, much more product they got due to globalization, because foreign goods also coming in Indian markets and common people's also got benefit. Okay, living standard, second point, means living standard also become increased because people got benefit and they are earning and they are also can purchase the things whatever people's using in developed countries. Okay, means in this way it is more beneficial for the Indian people's also, impact of globalization. Okay, means overall it has provides, you know, standards living. Globalization has also created new opportunities for the peoples and jobs also. It provides services and particularly in the IT sector. IT sector communication technology increases much more because the interrelation of whole over the world. People's uses for email, message, communication to place and country to country. Okay. Next. The struggle for a fair globalization. Fair and free globalization, you know, very important for the global market. Okay. You know, fair globalization gives opportunity to all for their presentation, for their means selling and purchasing things, and they can also provide the all trade facilities because the means barriers should be free there. The barriers is in, you know, restrictions, and government should make plans, rules and regulations for it. And means its requirements is also for, means in this process, short trade means small traders also can get opportunity for means improvement in their trading. And it can ensure that, you know, labor, whatever the laws and implementation, rules and regulations and working hours, and you know, everything should be here also sure. Okay. And it necessary the government can be trade and investment barriers, and you know, it can negotiate the WTO for fair rules and regulations. Okay. Next one, it also aligned with the other developing countries with simplifies, you know, having fight against to developed countries, because developed countries become dominant in markets, but these rules and regulations can give the chance of those developing countries also for improving their condition. Okay, in this way, means the conclusion of this chapter, globalization and the Indian economy, we can say that due to globalization, due to interconnection of the world trade, India also got much more benefit. Okay, and much more ideas also, means by the use of technology, communication technology, and you know, everything we are getting, we are sharing our ideas, and we are getting new ideas for the production, for the manufacturing, and for the trading also. So Indian economy become increased due to globalization. Okay, that's all.